चुनाव आयोग ने जैसे ही देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा की वैसे ही सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे सभी पार्टियां अपनी पार्टी के नेताओं को टिकट देकर अपने अपने क्षेत्रों में भेज रही है। रविशंकर प्रसाद को एक बार फिर से भाजपा ने चुनावी मैदान में उतारा है। रविशंकर प्रसाद इस बार टिकट लेने में कामयाब तो हो गए हैं, लेकिन जैसे ही उनकी उम्मीदवारी की घोषणा हुई वैसे ही क्षेत्र में उनका विरोध भी शुरू हो गया। सैदपुर गांव बोर्ड नंबर 8 में यहां के नागरिकों ने अपने मोहल्ले में क्षेत्र का संपूर्ण विकास न होने पर वोट बहिष्कार का बैनर भी टांग दिया है। यहां के वोटरों में रविशंकर प्रसाद के खिलाफ गहरी नाराजगी है। फतुहा प्रखंड के प्रमुख रजनीश कुमार का कहना है कि बड़े उम्मीदों से रविशंकर प्रसाद को जिताकर हमने भेजा था कि वो जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, लेकिन यह उम्मीद ना उम्मीदी में बदल गई। उन्हें शायद ही फतुहा की जनता से मतलब होगा। पिछले 5 वर्षों में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है। जिनका खामियाजा इस बार उन्हें भुगतना होगा। वहीं ग्रामीणों ने भी कहा कि हमारे गांव में स्कूल जर्जर स्थिति में है, नाला सड़क तक नहीं है, तो ऐसे में हम वोट का बहिष्कार करेंगे। वहीं शैलेंद्र कुमार ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में कोई काम तो सांसद महोदय ने किया ही नहीं। एक भी काम हो जो वो गिना दें, ऐसा कोई काम नहीं जो उन्होंने किया हो। उन्हें आखिर वोट किस कीमत पर दें हम? अब देखना यह होगा कि रविशंकर प्रसाद के खिलाफ क्षेत्र की जनता की यह नाराजगी कहीं उन्हें और भाजपा को महंगी ना पड़ जाए। पिछले बार भी सांसद रहे और जिताए भी हम लोग पूर्ण समर्थन से, लेकिन जीतने के बाद उनका जो कार्यकाल रहा, 5 साल का कार्यकाल बीत गया, और हमको नहीं लगता होगा कि सभी गांव को, सभी प्रखंड के व्यक्तियों को या प्रखंड प्रमुखों को, जो मान लिया कि एक प्रखंड में एक होता है, उस सबको पहचानते होंगे या क्षेत्र में कहीं जानते होंगे कि क्या समस्या है, क्योंकि कभी क्षेत्र में घूमे ही नहीं। वो शायद बहुत बड़े नेता होंगे, ये छोटा सांसद का क्षेत्र, एमपी का क्षेत्र उनको बहुत छोटा लगता होगा, इसलिए छोटा क्षेत्र नहीं घूमते हैं। तो जब वो घूमते ही नहीं है, इस क्षेत्र का समस्या ही उनको नहीं पता है, तो समाधान कैसे करेंगे? अब तो पार्टी उनको टिकट दी है और खड़े हुए हैं, अब बाकी जनता निर्णय करेगा क्या करना है। लेकिन अगर इनको फिर से जीत के आना है तो इनको विश्वास दिलाना होगा, जनता के बीच आना होगा, लेकिन जनता अपना डिसाइड करे कि जीतने के बाद ये क्या किए हैं, अपना सोचेगा, उसके अनुसार अपना मत देगा। विधानसभा क्षेत्र में एमपी के क्या उपलब्धि रही है? फतुहा विधानसभा में फतुहा उप प्रमुख हम 2016 से ही हैं और इनका चुनाव उसके बाद हुआ, लेकिन हम इनको कभी नहीं देखे कि फतुहा विधानसभा में चुनाव के बाद एक या दो बार आए होंगे, इसके बाद कभी फतुहा विधानसभा में इनका चरण तक नहीं आया। मेरे जानकारी में तो कोई उपलब्धि, कोई योजना नहीं लाए हैं। इनको हम एक बार बोले भी थे, क्षेत्र में आए थे स्टार्टिंग में, जिस समय चुनाव जीते थे, स्टार्टिंग में जैसे घूमे थे एक दो जगह, तो हम मुलाकात हुआ था, तो इनको हम बोले थे, उस समय दूरसंचार मंत्री भी थे, हम बोले कि BSNL का यहाँ स्थिति बहुत खराब है, तो बिना जाने समझे बोले कि तो आप ही ये समस्या बता रहे हैं, ये समस्या तो हमको कोई बोला ही नहीं। अरे कोई नहीं बोला, हम बोल रहे हैं समस्या है तब ना बोलना है, इसकी जानकारी लीजिए, इसकी जांच करवाइए। जो आदमी बिना जांच करवाए अपने काम से पीछे भाग गए, अब उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। फतुहा में लोग आज अभी वोट बहिष्कार का बैनर लगाए हुए है, स्कूल नाला सड़क को लेकर। देखिए एक वहाँ का सैदपुर गांव का जो स्कूल था, स्कूल जर्जर स्थिति में था, जिस भवन भी गिर गया था लगता है 3-4 साल पहले, तो उसको अलग स्कूल में शिफ्ट किया गया था और विश्वास दिलाया गया था कि यहाँ ये भवन बनेगा और फिर से इसमें शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी भवन का निर्माण नहीं हो सका। और बच्चों, मान लिया कि हर गांव में स्कूल है, शिक्षा पर इतना सरकार ध्यान दे रही है, लेकिन पता नहीं कैसे ये सब चूक हो रहा है, किनके कमी से चूक हो रहा है कि आज तक स्कूल का निर्माण नहीं हुआ और बच्चों को दूर जाना पड़ता है, रोड है,
समस्या है, लोग जा नहीं पाता है, लोग पढ़ नहीं पा रहा है, तो स्कूल तो जरूरी है। और बाकी तो इस संबंध में भाई जनता से बात कर रहे हैं कि वोट बहिष्कार करना कोई इसका समाधान नहीं है। वरीय पदाधिकारी और वरीय जो हमारे सांसद हैं अब नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी उनसे तो मैंने कहना ही पड़ेगा इस तरह का समस्या है। अब देखिए क्या क्या इस पर पहल करते हैं। हम लोग भी आगे मिलेंगे, बात करेंगे कि इनके समस्या को देखा जाए, क्योंकि तो बच्चों का समस्या है, ये शिक्षा का समस्या है। रजनीश कुमार, प्रेजेंट प्रमुख पटुआ।